Welcome, students of class 6. How are you? I hope you're all doing well and enjoying the online lectures. Students, today is the 9th lecture of SST, and we started Winds and Cyclones, your chapter number 3 in the last lecture, in which we learned about the three kinds, the three terms linked to air, that is the wind, the breeze, and the strong gales. And the two concepts of cyclones and anticyclones, and what kind of weather is formed because of cyclonic winds and anticyclonic winds. Cyclonic winds mean bad stormy weather with a lot of rain, and anticyclonic winds mean fine, warm, and dry weather. And the direction of cyclonic winds, that was from that was anti-clockwise movement, and an eye is formed in the center. And in the anticyclonic winds, the direction is clockwise. The wind direction is clockwise, and the eye is formed in the center. Today we are going to learn a new concept about the cyclonic winds, and that is tornadoes. You must have heard about the term tornadoes. Tornadoes के साथ destruction, तबाही और इन चीज़ों का concept हर एक के दिमाग में आता है. Actually, tornadoes का जो concept है ना, ये tornadoes जो है इनको USA के साथ link किया जाता है. North America और South America में सबसे ज़्यादा जो violent tornadoes आए हैं वो इधर ही आए हैं, और सबसे destruction भी इधर ही हुई है. अपनी बुक के पेज नंबर 14 के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर जो आपके एक पिक्चर दी हुई है इन्होंने, इसमें भी वॉयलेंट टॉर्नेडो इन यूएसए दिखाया है. अच्छा, ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है. अगर मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाना चाहूँ टॉर्नेडो की, तो ये देखिए, ये मैंने डाउनलोड की थी पिक्चर. इसमें ये भी यूएसए की ही किसी स्टेट की पिक्चर है जिसमें ये टॉर्नेडोज फॉर्म हुए हैं, और फिर उसके बाद इन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया है. और इतनी स्पीड होती है इनकी, जैसे हम लोगों ने साइक्लोनिक विंड्स का पढ़ा था कि साइक्लोनिक विंड्स की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 200 किलोमीटर पर आवर तक होती है. तो उसी में एक एडवांस्ड फॉर्म जो होती है ना, ये टॉर्नेडो होता है. इसकी डायरेक्शन ऑफ विंड भी उसी तरह होती है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है ये, लेकिन इसकी विंड स्पीड जो है 400 से 600 किलोमीटर पर आवर तक होती है, डबल ट्रिपल स्पीड ऑफ साइक्लोन. इस वजह से इसकी डिस्ट्रक्शन भी इससे बहुत ज़्यादा होती है. आपकी एक और पिक्चर दी हुई है इन्होंने यहाँ पे पेज नंबर 14 पर ही, टॉप पे राइट में, टॉर्नेडो स्ट्राइक इन एरिया. तो अब आप देख सकते हैं किस तरह सारे घरों को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया. और इतनी, ये सब कुछ विंड स्पीड की तरह की वजह से होता है. ये जो विंड होती है इतनी स्पीड से वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है कि जितनी भी चीज़ें बीच में, कार्स इवन, और जितने भी एनिमल्स भी बेचारे जो ग्रेजिंग वगैरह के लिए वहाँ पे फिर रहे होते हैं, वो सारे इसकी जो भी जद में आ जाता है वो इसके साथ ऊपर उठ जाते हैं हवा में, और फिर इस जोर से आके नीचे पटके जाते हैं. उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनिमल लॉस भी होते हैं और बहुत तबाही होती है. नाउ लेट अस रीड द डिटेल्स अबाउट टॉर्नेडोज ऑन पेज नंबर 14. A much smaller but a more violent kind of cyclone is called a tornado, a hurricane. So it means कि tornado और hurricane एक ही चीज़ के दो नाम हैं. ये cyclone ही होता है. This is a basically definition. Okay, definition of a tornado or a hurricane. इसको underline आप कर लीजिए. And cyclonic winds के बारे में आगे हम पढ़ते हैं. These form over the sea and can be only a few hundred meters across, but the wind speed can be as much as 400 to 600 kilometers per hour. यही मैंने आपको बताया, cyclonic winds जो होती हैं उनकी 200 kilometers per hour तक स्पीड होती है, और उससे जो स्पीड बढ़ जाती है तो वो टॉर्नेडो है. होते ये साइक्लोन्स ही हैं, लेकिन इनका डिफरेंस साइक्लोन्स से क्या होता है, साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड ओवर लैंड, वो ज़मीन पे डेवलप होते हैं, ज़मीन पे ही ट्रैवल करते हैं. लेकिन जो टॉर्नेडोज हैं दे फॉर्म ओवर द सी एंड कैन ट्रैवल फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड. अब ये दो तरह के टॉर्नेडोज होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कौन से होते हैं. एक तो वो होते हैं जो सी की टॉप पर, सरफेस पर, ऊपर हवा की साइड पर फॉर्म हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल साइक्लोन्स होते हैं लैंड वाले, और वो टॉप पर ही ट्रैवल करते हैं, पानी के अंदर नहीं जाते, और वो वहाँ से लैंड की तरफ चले जाते हैं. समटाइम्स दे सक अप अ वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सी फ्रॉम अ फॉर्म अ स्वर्लिंग कॉलम ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड अ ट्विस्टर और अ वाटर स्पाउट. आपने कभी पानी के भंवर के बारे में सुना होगा कि पानी के अंदर भंवर बन जाता है और उसके अंदर सब चीज़ें जारी होती हैं. कुछ इस तरह की
जो है ना पिक्चर माइंड में आती है, तो ये भी ये टोर्नेडोज होते हैं। टोर्नेडोज की सेकेंड काइंड होती है, एक जो होती है वो टॉप पे आपको उसमें हवा में नजर आते हैं और वो वहां से सी की साइड से लैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं, उधर चले जाते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। और दूसरे जो होते हैं ना, एक वाटर स्पाउट बना देते हैं सी में अंदर, और उसके अंदर सब चीजें सकअप होने शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर जाने लगती हैं सब चीजें। जिस तरह ये मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये मोटर बोट चला रहा है आदमी और ये बहुत फुल प्रेशर से उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन वो जो है ना इसकी टोर्नेडो की साइड पे ही वो सक हो रहा होता है सब कुछ वहां पर सी में। तो ये जो है ये इनसाइड द सी बन जाता है। इसका कुछ इस तरह की इमेजिनरी पिक्चर इन्होंने ये दी है कि ये समंदर की जो सरफेस है ना उस पे इसका ऊपर जो है ना वाटर स्पाउट बना हुआ होता है, और नीचे ये इस तरह जाके इतनी डेप्थ में ले जाता है और इसमें सफोकेट होके जितने भी एनिमल फिश वगैरह होते हैं वो इसके अंदर आके और वो मर जाते हैं, और जितनी भी चीज़ें जा रही होती हैं वो बहुत गहराई में चली जाती हैं समंदर में, और इतना प्रेशर इसका बिल्डअप हुआ हुआ होता है। तो इसको ट्विस्टर और वाटर स्पाउट बोलते हैं, जो सी के अंदर डेवलप होता है, नीचे चला जाता है जो, और जो ऊपर होता है उसको हम सिंपली टोर्नेडो बोलते हैं। ओके जी, द टोर्नेडो ऑफन मूव्स फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड वेयर इट कैन डू ग्रेट डैमेज, डिस्ट्रॉइंग हाउसेज एंड लिफ्टिंग कार्स। जैसे हमने वो आपकी पिक्चर देखी बुक वाली पेज नंबर 14 की, उसमें इंटू द एयर डिस्टेंसेज ओवर अ किलोमीटर किलोमीटर हाई तक, 1 किलोमीटर हाई तक ही ले जाते हैं चीज़ों को पिक करके टोर्नेडोज। इन पाकिस्तान अ टोर्नेडो इज कॉल्ड एन आंधी वेन इट इज ओवर लैंड एंड तूफान वेन इट इज ओवर सी। ये दोनों टर्म्स भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि पाकिस्तानी और पर्शियन लैंग्वेज में उसको आंधी तूफान जिस तरह कहा जाता है, तो वो बताया इन्होंने। ओके जी, नाउ लेट अस मूव टू द इन्फो बॉक्स। द इन्फो बॉक्स ऑन पेज नंबर 14, अ टोर्नेडो ओवर द सी इज कॉल्ड तूफान इन अरेबिक एंड पर्शियन एंड उर्दू। एंड कैन यू थिंक ऑफ अनदर वर्ड फॉर टोर्नेडो और अ हरिकेन विच यू थिंक माइट हैव कम फ्रॉम तूफान। तो ये आपने सर्च आउट करना है नेट पर से, और एक और वर्ड आपने ढूंढ के यहाँ पर इसको लिखना है अपनी बुक पर। तो जिस तरह आपके लैंड पर जो है ना टोर्नेडोज बनते हैं, तो उनको हम साइक्लोन्स बोलते हैं, सी वाले साइक्लोन्स को हम टोर्नेडोज या हरिकेन्स बोलते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल जो ड्राई या डस्टी एरियाज में एयर सर्कुलेट होने शुरू हो जाती है साइक्लोनिक या एंटी साइक्लोनिक फॉर्म में, और वो अपने साथ बहुत सारे डेजर्ट में बहुत सारे जो है ना रेत और डस्ट को अपने साथ सर्कुलर मोशन में ऊपर हवा में उठा लेती है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। In very dry places such as Balochistan, the twisting column of air sometimes suck up huge quantities of sand and it is called a dust devil. और इसको हम dust devil बोलते हैं। ये desert areas में जो अपने साथ wind suck up कर लेती है dry, dusty और sand जितनी भी वहाँ पर मौजूद होती है उसको dust devil बोलते हैं। ये भी travel करता है काफ़ी काफ़ी dust devil areas तक काफ़ी travel कर लेता है, लेकिन ये बहुत rare होते हैं। Rare and dust devils. See, this is the end of your chapter. Now take out the exercise on page number 14. Question number 1 was the home assignment in your last lecture. The first three parts of question number 1. Today we are going to do the second question, that is complete these paragraphs. आपने पढ़ते जाना है इसको, और साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक जो डेफिनेशंस और पैराग्राफ्स हैं ऑन पेज नंबर 13 उस पे इसके आंसर्स को आपने टैली करते जाना है। इन एन एंटी साइक्लोन द एयर मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑफ कोर्स यू ऑल नो दिस मींस प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज हाई, बट एंटी साइक्लोन नॉर्मली मीन्स फाइन वेदर, फाइन एंड ड्राई वेदर। द विंड्स इन द एंटी साइक्लोन्स आर जेंटल जेंटल फेयरली जेंटल। In a cyclone, the wind moves in an anti-clockwise direction. The pressure on the ground is low and brings stormy weather, windy, stormy weather. The winds in the cyclone are much stronger. The only part where they are different is in the center. सेंटर जो हमारा आई था जिससे मैंने आपको बताया कि वहाँ प्रेशर विंड प्रेशर लो होता है। हेयर द विंड्स आर मच लेस। Cyclones are dangerous because they cause destruction.
अदर नेम ऑफ द स्टॉर्म ऑन लैंड एंड द सी आर हरिकेन, टोर्नेडो, आंधी, तूफान और एनीथिंग एल्स यू कैन फाइंड ऑन द नेट. Students now open up the worksheet of chapter number 3 and 4. It is a merged worksheet, a combined worksheet of 3 and 4 ke, and first two questions are related to chapter number 3 which we are going to do today. So the first question is complete the definitions in the following of the following in a single sentence. Ab thunderstorm or tornado or hurricane ek hi cheez hoti hai to aap inme se kisi ek ka likh lein, hurricane ko cancel kar dein. तो टोर्नेडो की डेफिनेशन आपकी बुक में है, थंडर स्टॉर्म की डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, बट इट्स वेरी इजी, यू कैन आल्सो फाइंड आउट द डेफिनेशन फ्रॉम नेट. और अ स्टॉर्म विद अ लॉट ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर इज कॉल्ड अ थंडर स्टॉर्म, आप ये भी लिख सकते हैं. और ट्विस्टर और अ वाटर स्पाउट जो है इसकी भी डेफिनेशन आपकी बुक में है, व्हेन अ टोर्नेडो सक्स अप अ वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर इट फॉर्म्स अ स्वर्लिंग कॉलम ऑफ वाटर एंड इट इज कॉल्ड अ ट्विस्टर और अ वाटर स्पाउट, ये आपकी बुक में भी है, इसको इजी वर्ड्स में भी अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज ड्रॉ टू फिगर्स टू शो द मूवमेंट ऑफ विंड. मूवमेंट ऑफ विंड आपने बनानी है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन जिस तरह आपकी बुक में बने हुए हैं उसमें आपने ह्यूमन फिगर्स नहीं बनानी है. आपने लास्ट असाइनमेंट में सबने वो ह्यूमन फिगर्स बनाने की कोशिश करी थी, उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन ऑफ विंड शो करनी होती है सर्कुलर मोशन में कि साइक्लोन में और एंटी साइक्लोन में क्या है डायरेक्शन ऑफ विंड. Okay ji, that is end of the worksheet of chapter number 3. Now open up the worksheet of chapter number 2. Humne last time nahi ki thi, so hum aaj kar lete hain. The first question is to choose the correct answer. Climate is the average of the weather condition of, ab ye niche teen options di hui hain, one day, few weeks ya whole year. So you all know the climate is the average of the weather condition of a whole year. इसको आप सर्कल भी कर सकते हैं और इसको आप टिक भी कर सकते हैं, जिस तरह आप ऑप्ट करना चाहें. चूज द करेक्ट आंसर है ना. अच्छा जी, द बी पार्ट इज द क्लोजर वी आर टू द डैश द वार्मर एंड बेटर इट विल बी. द क्लोजर वी आर टू द इक्वेटर द वार्मर एंड बेटर इट विल बी. नंबर सी, डैश शोज द हाइट ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी लेवल. हाइट क्या होती है? हाइट इज द लैटिट्यूड. नहीं नहीं, लैटिट्यूड लाइंस तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होती हैं. माउंटेन्स तो हाइट नहीं शो करते, एल्टीट्यूड शोज द हाइट. सो चूज एल्टीट्यूड. प्लेसेस नियर द सी आर डैश इन समर एंड डैश इन विंटर. अब हॉटर एंड वेटर तो नहीं हो सकते, लेकिन प्लेसेस नियर द सी आर कूलर इन समर, ठंडी होती हैं, एंड माइल्डर इन विंटर, बहुत सवेयर टेम्परेचर्स नहीं होते. हम लोगों ने जैसे स्टडी किया था, लाहौर इज हॉटर देन कराची इन समर बिकॉज. लाहौर समर में कराची से ज़्यादा गर्म क्यों होता है? कराची माइल्ड इसलिए होता है बिकॉज इट इज़ क्लोज टू द सी, नियरनेस टू सी है, वहाँ से ठंडी हवाएँ आती रहती हैं और कराची माइल्ड रहता है. सो द रीज़न के लाहौर हॉटर क्यों है, तो इट विल बी, इट इज़ फार अवे फ्रॉम सी, बहुत दूर है हम सी से, इस वजह से हमारा लाहौर गर्म होता है समर में. वेन द एयर प्रेशर इज हाई, मतलब साइक्लोनिक नहीं एंटी साइक्लोनिक विंड, एंटी साइक्लोनिक विंड में एयर प्रेशर इज हाई, द वेदर इज यूजली डैश एंड ड्राई. तो वेदर इज फाइन एंड ड्राई, वेदर जो होता है एंटी साइक्लोनिक विंड में फाइन एंड ड्राई होता है. ओके जी, come to the next question, that is define ocean currents. अब आप लोगों के पेज नंबर 10 पर ओशन करंट्स की डेफिनेशन नहीं है, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इन्होंने, तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन फाइंड आउट की है नेट से, आप इसको डिफरेंट भी लिख सकते हैं कुछ अपनी मर्जी से. ओशन करंट इज द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज नॉर्मली द डायरेक्शन ऑफ विंड. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड के साथ मूव कर रहा होता है ओशन वाटर, तो दैट इज ओशन करंट. गिवन एग्जांपल टू शो दैट ओशन करंट इफेक्ट क्लाइमेट, तो आपका ये जो पैराग्राफ है पेज नंबर 10 पर, इसमें ओशन करंट की तीन एग्जांपल्स हैं, तीन एरियाज की, एक पीरू है, एक लिमा है और एक वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप है, कि उन तीनों का जो है ना टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है ओशन करंट की वजह से बाकी एरियाज के नस्बत. इनमें से किसी भी एक की एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. The fourth question is briefly explain how climate affects agriculture. So, ये आप आंसर खुद लिखेंगे. इसमें आप बहुत आराम से वीट और राइस की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि क्लाइमेट जो है ना, इट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स अलॉट.
जहाँ पे वेट और ह्यूमिड क्लाइमेट हो सकता है वहाँ होता है, वहाँ पे राइस की प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है, और जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट्स होते हैं और थोड़ी सी फर्टाइल सॉइल होती है वहाँ पे वीट की प्रोडक्शन अच्छी होती है. तो एवरी क्रॉप नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ एन क्लाइमेट, सो इट इफेक्ट the growth of crops a lot. Okay, come to the fifth question, which is the driest place on earth and where it is located. ye aapne apna rainfall wala jo paragraph hai page number 10 mein usme se likhna hai. Atacama desert hai jo western coast of Chile mein located hai, so ye iska answer hai. And where is Chirapunji? Chirapunji kahan hai? It is in Assam. And what is so special about this place? This place has the highest amount of rainfall and it is the wettest place on earth. ये इसकी special बात है चिरापुंजी की. Why are the winds that blow from the north cold? क्यों होती हैं जी cold ये winds from the north? Because the north pole is covered with snow throughout the year. सारा साल वो जो आपका आर्कटिक region है it is covered with snow. So the winds coming from the north are always cold. इसका आंसर अपने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना है, वन लाइन आंसर होना चाहिए. नाउ एक्टिविटी, वेदर वर्सेस क्लाइमेट सॉर्टिंग एक्टिविटी. इन्होंने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, वेदर इज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एनी वन डे, और फिर क्लाइमेट को बता दिया, इट इज एन एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर अ होल ईयर, और नीचे दो ब्लॉक्स दिए हैं, वेदर और क्लाइमेट के दो ब्लॉक्स दिए हैं इन्होंने, और इन ब्लॉक्स के अंदर आपने नीचे से इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये एक्टिविटीज चूज करनी है. देयर आर सम ऑफ द दीज आर सम ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, डिसाइड वेदर द स्टेटमेंट इज अबाउट वेदर और क्लाइमेट एंड री राइट इन द करेक्ट कैटेगरी अबव. ऊपर दो ब्लॉक्स हैं, एक वेदर का और एक क्लाइमेट का, उसके अंदर नीचे ये सिक्स आपके पास ऑप्शन हैं, इनमें से थ्री वेदर की और थ्री क्लाइमेट की आई थिंक, उनको आपने चूज करके दोनों को डिफरेंट ब्लॉक्स में लिखना है 1, 2, 3 करके. टुडेज टेम्परेचर इन लाहौर वॉज 38 सेल्सियस. तो ये क्या होगा, क्लाइमेट होगा या वेदर? आई थिंक इट्स वेदर बिकॉज ये टेम्परेरी कंडीशन है. और फ्राइडे क्रिकेट मैच वॉज कैंसल ड्यू टू रेन, ये भी वेदर है. जैफराबाद इज जनरली हॉट एंड ड्राई सिटी ऑफ पाकिस्तान, दिस इज क्लाइमेट. ये जनरल एक्सपेक्टेशन है ना हमारी कि जैफराबाद गर्म ही होता है, वो ठंडा भी कभी हो सकता है बारिश की वजह से या किसी और भी रीजन से. कराची इज मोर ह्यूमिड देन इस्लामाबाद बट गेट्स लेस रेन, ये भी हमारा क्लाइमेट है. इफ इट इज सनी ऑन सैटरडे आई विल गो टू पार्क, दिस इज वेदर. द एवरेज रेनफॉल इन इस्लामाबाद इज 645 मिलीमीटर, दिस इज क्लाइमेट. तो आपने ये सारी क्लाइमेट और वेदर वाले उनमें लिख देनी है ब्लॉक्स में. ओके जी, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. ये दोनों वर्कशीट्स आपने करनी है और वर्क पेज ऑफ चैप्टर नंबर 3 आपने करना है. होम असाइनमेंट है एंड सेंड द पिक्चर्स इन योर रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.